पिता के गेट के बाहर की गंदगी किसने साफ कर रही है? अभी अभी एक तो नाव कर यार अभी से एक तो मुझे बोल बाला ला इधर ले प्रशांत गाय ये बाउंसर ये भाई तू मती है ए फोन नीचे अंगा निकल आओ अंगा कैसा जाता ये क्या कर सॉरी आज बस है पूरी हो तू बोल
बोलना है एकदम अभिषेक पाजी थोड़ा अंदर अरे तू मोबाइल में छाप रहा है।
आप रह रहा है क्यों क्या हो गया हाँ फोन कर रहा तो फोन नहीं उठा तुम्हारे चाहते का साइड ठीक है जन फोन करना बात यहाँ पर कैमरा निकालना पड़ेगा बपिदा मेरी एक तो लेजेंड तो हैं लेकिन मेरी फैमिली जैसे हैं मैं बप्पा के भी बहुत क्लोज हूँ रीमा दीदी के भी बहुत क्लोज हूँ और अभी मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि अभी उनका बर्थडे हमने मनाया था 69th एंड बहुत ही सैड है और बपिदा को हम हमेशा प्यार से याद करेंगे मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने उनके साथ अपने करियर का एटलीस्ट एक गाना गाया है और उन्होंने हमेशा मुझे बच्चे की तरह प्यार किया सो आई विल ऑलवेज हैव हिम इन माय हार्ट लाइक अ फादर ऑलवेज ठीक है थैंक यू मैम थैंक यू सो मच कौन बोला सॉन्ग भाई किधर चलो भाई अभी बाइक रहने देने का
बाहर निकलता है। अरे सर कोई पीछे करो, अरे कौन है सर पीछे करो, मतलब पीछे और पीछे और पीछे, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा फिर। हाँ मैं देखा था ना, मैं आखिर तो बोला ना, मैं आखिर ना सत्या ना मारो फोटो सर 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 हाँ सर एक सेकेंड वन स्टेप थोड़ा पीछे जाएंगे प्लीज। सर यहाँ पे लिया, ठीक 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 चलो धन्यवाद। रुकिए ना जी,
बैठ होगी दादा रुकिए मैम मैडम या वही लॉस। एक तो क्या है उनसे, एक तो बापी अंकल जैसे लोग बनते नहीं हैं, मतलब उस तरह के लोग नहीं होते। म्यूजिशियंस आए हैं गए हैं, लेकिन इतना उनकी जो पर्सनालिटी है, इतने खुशहाल मिजाज के, जहाँ पे जिस कमरे में घुस जाते थे वहाँ पे ऐसे खुशियाँ बिखर देते थे। ये क्वालिटी है जो बापी अंकल की, वो हमेशा रहेगी मेरे साथ। और मुझे लगता है म्यूज़िकली ऑल्सो जिस वक्त वो आए, उस वक्त आकर बॉलीवुड में जगह बनाना, अपना एक अलग छाप छोड़ना, अपनी तरीके की म्यूज़िक करना और छा जाना, एक दशक तक छाए रहे, वो बहुत बड़ा यू नो इससे बिग थिंग नहीं होता इतना आसानी से। और मुझे लगता है बापी दा को सिर्फ ऐसा, आजकल जैसे ट्रिब्यूट में हर लोग मैसेज कर रहे हैं कि यू नो डिस्को किंग इज़ नो मोर, एंड मुझे लगता है डिस्को तक बांध के नहीं रखना चाहिए। वो बहुत विशाल थे। किशोर दा के कुछ बेहतरीन गाने जो है ना बापी दा ने दिए हैं, और आई थिंक वी शुड, और वो टाइमलेस है क्योंकि आज भी उनके गाने रिमिक्सेस होते फिर हिट हो जाता है। विल मिस हिम। कोई कुछ ऐसी मेमोरी जो कुछ है गाना था आपकी, कोई फन लविंग मेमोरी? कुछ नहीं, बापी दा से कोई मिलते जैसे बुलाते थे, हाथ से बैठाते थे बगल, और बहुत क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और जैसे ही मैं बोलता था अभी काम नहीं है कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो वो इनक्रेज करते थे। मतलब बापी दा का यही था कि काम करते रहो, और बापी दा आखिरी वक्त तक बापी दा खुद काम करते रहे, मतलब ही वॉज स्टिल कंपोजिंग गिविंग म्यूजिक is amazing. Thank you. No, I had a tension. Dukh mat ho yaar, are chhodo tum chappad de bhai mere kya papa papa tasveer ha mere se chala bhi पीछे आएंगे तो फुल नहीं, फुल मिल जाएगा। Thank you.
लो ना भाई कैमरा खालिद पीछे लाइट मार दे जान तो छोड़ दो आगे मत जाओ फोटो पे ध्यान दो फोटो पे ध्यान दो हेलो पीछे 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 सर पीछे चलिए हाँ ये हो गया